तो हेलो गाइस, बैक टू माय यूट्यूब चैनल थ्री स्टार मॉडिफाई। तो आज की जो वीडियो होने वाली है हमारी, होने वाली है KTM के ऊपर। तो आज हम KTM को करने वाले हैं पूरी मॉडिफाई, जो कि हमने कर दी है वो आपको दिखाता हूँ उसके अंदर हमने क्या क्या इंस्टॉल किया है। तो चलते हैं KTM की तरफ। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल, और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें और इस वीडियो को लाइक करें। तो चलते आपको दिखाते हैं हमने क्या क्या इंस्टॉल किया उसके ऊपर। तो गाइस, आप देख सकते हो ये जो KTM खड़ी है, इसके बारे में आपको मैंने बताया अभी कि अब इसके अंदर आपको बताता हूँ कि इसके अंदर हमने क्या क्या लगाया है और क्या क्या स्टिकर बनाए हैं इसके, क्योंकि आपको दिख रहे हैं स्टिकर बाकी बनाए हुए। तो बाकी आपको दिखाता हूँ एक बार क्या क्या इसके अंदर स्टिकर हमने लगाए हैं। जैसे कि आगे से हम स्टार्ट करते हैं तो ये देख सकते हो, ये हमने बिल्कुल ब्लैक किया है इसका, क्योंकि आप देख सकते हो। और यहाँ पे कॉर्नर के अंदर हमने लिखा है KTM, जो कि ऑरेंज कलर के अंदर लिखा है। और बाकी के जो ग्राफिक्स है साइड वाले आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये ग्राफिक्स हमने पहले वाइट पेपिंग करने के बाद में हमने इसके ऊपर ग्राफिक्स बनाए हैं, जो कि आप देख सकते हो ग्राफिक्स। और इसी के नीचे जस्ट हमने KTM लिखा है, जो कि मरघाट आता है, मरघाट के ऊपर हमने लिखा है KTM लिखा है। बाकी आपको दिखाता हूँ एक और, ये देख सकते हो ये जो साइड पैनल आता है इसका, ये ब्लैक कलर में था, इसको हमने कराया पहले वाइट करने के बाद में हमने इसके ऊपर लगाया है ये जो ग्राफिक्स है। ये ग्राफिक्स पूरे प्रॉपर हाथ से बने हुए हैं, प्रॉपर हाथ से ग्राफिक्स बनाए हैं इसके, देख सकते हो आप, पूरे प्रॉपर ग्राफ से बनाए हैं। बाकी ये देख सकते हो इसके अंदर हमने पहले एक पट्टी डाली है। बाकी ये जो RC लिखा है दोनों साइड में 200, और ये R नीचे लिखा है हमने KTM, ये भी देख सकते हो आप KTM लिखा है नीचे। बाकी लुक कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं इसका लुक कैसा है, ये देखिए। बाकी आपको दिखाता हूँ जो टंकी आती है इसकी, ये देखिए जो टंकी कवर आता है, ऊपर का टंकी पैनल जो आता है इसका, ये वाला। तो ये इसको पूरी मॉडिफिकेशन हो रही है इसके अंदर, देख सकते हो आप। ये जो टंकी पैनल है यहाँ से टूटे हुआ था, ये था ही नहीं टुकड़ा यहाँ का, तो हमने इसको फाइबर से बनाया है जिससे ये डिज़ाइन जो कंप्लीट हो सके। ये डिज़ाइन कंप्लीट होने के कारण ये बढ़िया लग रही है KTM जो हमारी RC है। और इसका ये पैनल भी हमारा ही बनाया हुआ है, जो आपको दिखाता हूँ मैं, ये देखिए ये पैनल भी बेंड करके बनाया हुआ है इसके अंदर, क्योंकि अभी प्रॉपर फिटिंग हुआ नहीं है, बाकी हम इसके अंदर प्रॉपर फिट कर देंगे। बाकी इसके अंदर और क्या क्या लगाया हमने वो भी आपको दिखाता हूँ मैं। बाकी इसका लुक चेक करिए आप, लुक कैसा लग रहा है इसका, ये देखिए नीचे से देखिए। पूरी बाइक खुलने के बाद में पूरा सिस्टम लगा है इसके ऊपर, पूरी रेप जो हुई है खुलने के बाद में हुई है, ये देखिए खोल के पूरी रेप करी गई है इसको। बाकी जो ये सीन था ना, ये वाला था वाइट को हमने कराया इसके अंदर ब्लैक कराया इसको। बाकी ग्राफिक्स आप देख ही सकते हो, ये जो ग्राफिक्स है हाथ से बनाए, ग्राफिक्स है हाथ से बनाए गए हैं, पूरे हाथ से बनाए हुए हैं, जो मशीन से कटने चाहिए 2-3 आइटम जो मशीन से काटे हुए हैं। बाकी आप चेक कर सकते हैं एक बार कैसी लग रही है आपको बाइक, और उस साइड से एक बार और आपको चेक करा देता हूँ कैसी लगेगी। तो सेम पैटर्न इधर भी है, ये आप देख सकते हो सेम पैटर्न इधर भी कर दिया हमने, ये देखिए सेम पैटर्न कर दिया है इधर, देख सकते हो इधर भी सेम पैटर्न ही है बिल्कुल, ये देखिए सेम डिट्टो जो है उधर का सेम उधर का ही है। और ऐसी बाइक आपको भी बनवानी हो तो मैं नंबर दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो आप मुझे कॉन्टेक्ट करें, बाइक का लुक चेक कर सकते हो आप कैसा है। हेलो गाइस, तो कैसी लगी आपको ये KTM कमेंट में ज़रूर बताइए KTM कैसी लगी आपको। अगर ऐसी KTM आपको भी बनवानी है तो मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हो आप। और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।